पाएं हर खबर सबसे पहले सिर्फ लाइव टुडे पर। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। सुपरफास्ट खबरों के बाद रुख करते हैं मुख्य खबरों की तरफ। प्रस्तावित नोएडा फिल्म सिटी को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आमने सामने आ गए हैं। सीएम योगी आज मुंबई के दौरे पर हैं, जहां वो फिल्म सिटी के इन्वेस्टर्स के साथ बैठक करेंगे। नोएडा में फिल्म सिटी बनाने की कवायद से सीएम उद्धव ठाकरे नाराज हैं और कह रहे हैं वो होने नहीं देंगे। सीएम उद्धव ठाकरे ने कहा था कि कॉम्पिटिशन होना अच्छी बात है, लेकिन चिल्लाकर धमकाकर कोई लेकर जाना चाहेगा तो मैं वो होने नहीं दूंगा। आज भी कुछ लोग आपसे मिलने आएंगे और कहेंगे कि हमारे यहाँ आ जाओ। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने सीएम योगी आदित्यनाथ का नाम लिए बिना कहा था दम है तो यहाँ के उद्योग को बाहर लेकर जाए। वहीं इससे पहले सीएम योगी ने अभिनेता अक्षय कुमार से मुलाकात की और आज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में 200 करोड़ रुपए के लखनऊ नगर निगम बॉन्ड का शुभारंभ किया। सीएम योगी आदित्यनाथ मुंबई यात्रा के दौरान विशेष तौर पर डिफेंस कॉरिडोर और फिल्म सिटी के निर्माण से संबंधित उद्यमियों एवं फिल्म निर्माताओं से मुलाकात करेंगे। वहीं यूपी में फिल्म सिटी को लेकर सियासत और भी तेज हो गई है। सपा और शिवसेना ने बीजेपी पर तंज कसा है। सुनिए, एक फाइव स्टार होटल में एक बड़े कमरे में बड़े सूट में मैंने देखा वो बैठे हैं और अक्षय कुमार भी उनके साथ बैठे, शायद आम की टोकरी लेकर गए होंगे। अक्षय जी ठीक है, ये छोड़ दीजिए, लेकिन मुंबई की फिल्म सिटी यहाँ से कोई लेके जाने की बात करती है तो मजाक है, इतना आसान नहीं हो। बहुत पुराना इतिहास है, हम सबका खून पसीना बहा है उसमें। योगी जी से मैं इतना ही पूछूंगा कि ठीक है आप एक कोई बड़ा प्रोजेक्ट बनाना चाहते तो बनाइए, लेकिन नोएडा में जो फिल्म सिटी बनी थी कुछ साल पहले नोएडा में यूपी की, उसका क्या हो गया, उसकी क्या हालत है, वहाँ कितनी शूटिंग होती है, वहाँ कितनी फिल्म का निर्माण होता है, ये भी जरा मुंबई में आकर बताइए। मैं तो मुंबई के कलाकारों से बोलूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के नेता जो मुंबई गए हैं ये मार्केटिंग इवेंट और स्क्रिप्ट लिखने में माहिर हैं, ये झूठा माहौल बनाने में भी माहिर हैं। इनसे कम से कम वो जो मार्केटिंग और स्क्रिप्ट जो इवेंट का होता है वो इनसे ज्ञान ले लें, काम की बात इनसे बिल्कुल ना करें, क्योंकि ये काम नहीं करते, ये बातें करते हैं, काम इनके बस का नहीं है, ये जो काम कहेंगे वो करेंगे नहीं। इतने दिनों से वो कह रहे हैं फिल्म सिटी बनाएंगे, फिल्म सिटी तो छोड़ो एक ईंट नहीं रख पाएंगे, एक बाउंड्री तक नहीं बना पाएंगे, क्योंकि इनको काम करना ही नहीं होता है। जो जो इन्होंने वादे किए थे सरकार आने के पहले एक भी पूरा नहीं किया, अब तो चली चलाई की बेला है, साल सवा साल बचा है, अब ये फिर झूठे वादे कर रहे हैं। देखिए आज जिस तरह से मुंबई में आदरणीय योगी जी के पहुंचने पर महाराष्ट्र की सरकार, उनके मुखिया उद्धव ठाकरे जी, संजय राउत जी जो उनके प्रवक्ता हैं, पूरे के पूरे लोग घबरा गए हैं। उनकी घबराहट स्वाभाविक है कि जिस तरह से वो कह रहे हैं कि हमारे यहां मैग्नेटिक पावर है, तो मैग्नेटिक पावर तो आदरणीय योगी जी का देखने को मिल गया ना उनको, किस तरह से तमाम उद्योगपति, तमाम फिल्म इंडस्ट्री के लोग, तमाम एक्टर्स एक्ट्रेसेस योगी जी से मुलाकात कर रहे हैं, उनके द्वारा बनाई जा रही उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी उसको लेकर विश्वास जता रहे हैं, जिस तरह से इन्वेस्टर समिट में जताया था। तो ये मैग्नेटिक पावर तो आदरणीय योगी जी में कितना है, तो आज उद्धव ठाकरे जी ने और महाराष्ट्र सरकार ने देख लिया। और एक बात और मैं कहना चाहता हूं कि अंडरवर्ल्ड के दबाव में आकर महाराष्ट्र सरकार काम कर रही है और वहां के फिल्म इंडस्ट्री के लोगों पर, निर्माता निर्देशक हो, एक्टर्स एक्ट्रेसेस हो, उन पर दबाव बनाने का प्रयास है, कहीं ना कहीं धमकाने का प्रयास है, इस तरह के बयान देकर, जिस तरह के बयान संजय राउत दे रहे हैं, जिस तरह के बयान उद्धव ठाकरे जी दे रहे हैं, ये साफ हो गया है कि वहां पर कानून व्यवस्था नहीं है, वहां की सरकार भी अंडरवर्ल्ड ही चला रहे हैं। सचिन तिवारी हमारे सहयोगी लाइव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सचिन, जिस तरीके से अब नोएडा में फिल्म सिटी बनाने की कवायद जो है वो तेज हो गई है, दूसरी ओर बीएससी में जाकर जो नगर निगम के बॉन्ड जो रजिस्टर कराए मुख्यमंत्री ने, इन सभी बातों को लेकर उत्तर प्रदेश में लोगों की क्या राय है? जी, साफ तौर पे आज बीएससी में नगर निगम के जो बॉन्ड है उसकी लिस्टिंग की गई थी। जाहिर सी बात है जिस तरीके से लखनऊ को स्मार्ट बनाने के लाख दावे और वादे किए गए थे, उन्हीं को कहीं ना कहीं रफ्तार देने के लिए इस तरीके का इनिशिएटिव लखनऊ नगर निगम और सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा लिया गया और काफी इन्वेस्टमेंट भी आएगा।
हिना जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि लगभग 225% सब्सक्राइबर, यानी कि जो लखनऊ नगर निगम, लखनऊ म्युनिसिपैलिटी का बॉन्ड है, उसको लेकर कहीं ना कहीं एक कॉन्फिडेंस है इन्वेस्टर्स में, और वो लोग इन्वेस्ट करते भी जा रहे हैं। इसी बात है, कोरोना काल में एक रेवेन्यू का बहुत बड़ा डेफिसिट आया था, जो कहीं ना कहीं अब पूरा होगा, और जो विकास कार्य राजधानी लखनऊ और उत्तर प्रदेश के हैं, उनको कहीं ना कहीं गति मिलती हुई दिखाई देगी। जी जी ना प्रिया सचिन आपका